दो घंटे में आपने मुझे बीवी बना डाला, इतनी जल्दी में फिर सोचा ना था कोई नया गुल ना खिला देना नुशी। मां प्लीज डोंट किल माय वाइफ। खुद दीजिए यार, मुझे भी जीने दे। तुम अच्छी औरत हो जाना, बहुत अच्छी, लेकिन लेकिन तुम्हारी अच्छाई नफीसुद्दीन की इज्जत पे लगे दाग नहीं धो सकती। क्या हो गया नादरा? एक बार नहीं, मैं दो बार सरे बाजार हो चुकी हूँ और तुम कहती हो क्या हो गया? क्या कुछ देर के लिए हम सोशल मीडिया की इस बकवास को भूलकर अपनी जिंदगी की दूसरी नेमतों को एंजॉय नहीं कर सकते नादरा? नहीं, इसलिए मैंने एक फैसला किया है। क्या? मैं नुशी को अपनी माँ और नानी के काम पर वापस लेके जा रही हूँ। ठीक कह रही हूँ मैं, बड़े बड़े नाम निहाद झूठे इज्जतदार लोग वहां पानी पड़ते हैं। कैसी मां हो तुम? अपनी मासूम बच्ची को किस जुर्म की सजा देना चाहती हो? उसकी बदकिस्मती की सजा, जिनके नसीब हारे होते हैं उनको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो नफीसुद्दीन जैसे इज्जतदार लोगों की पगड़ियां उछाले। अगर वो होते तो नोशी को हरकतों से उसकी गर्दन दबा देते, उसका गला दबा देते। मुझमें हिम्मत नहीं है, इसलिए मैंने सोच लिया है। मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा नादरा। अरे छोड़ो, तुम्हारे जीते जी तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को लात मार के अपनी जिंदगी से निकाल दिया। क्या कर लिया तुमने? बोलो क्या किया तुमने? माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं वाकई एक कमजोर माँ, मैं एक बार फिर मिन्नत कर लूंगी नदीम की, समझाऊंगी उसे कि वो नोशी के साथ रिश्ता जोड़ ले, मगर ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए मेरी बच्ची को दरबदर होने से बचा लो। अपने बच्चे को मना लो, उसे कहो उसे बचा ले, उसकी जिंदगी बचा ले। खुदा के लिए, वो भटक गई है, उसे माफ कर दो। खुदा के लिए बचा लो उसे, खुदा के लिए। माशाल्लाह, कैसी शहजादी लग रही है मेरी बेटी। बाप को भी मिलने दो बेटी से, आपको सवाब मिलेगा। जीतिरा भाई, आप दोनों बैठिए ना। और चाचा मियां, इस बार मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आप यहीं रुक रहे हैं बस। अरे बेटा, कदर खो देता है रोज का आना जाना, अगर इस बार लंबा रुक गए ना तो समझो गए। क्यों फाखर बेगम जी? नहीं, मेरी हर बात पे नहीं कहने से आपको कोई माली फायदा होता है। नदीम आओ ना, बैठो, दूर क्यों खड़े हो? आप लोग जितनी देर भी यहां रुके फील कंफर्टेबल। थैंक यू। अम्मी की तबीयत कैसी है आपकी? कुछ खास अगर खाने में खाना हो तो बनवा लीजिएगा, उसमें शर्म ना कीजिएगा। जीते रहो। कुछ पूछा है मैंने तुमसे? कुछ सवाल ना ही पूछे जाए तो अच्छा, उनका जवाब किसी को लाजवाब कर सकता है। अरे मगर बेटा ये तो बस... एक मिनट, आपकी वालदा मेरी बेटी की सास है, इस हवाले से मैंने उनकी सेहत के बारे में पूछा है। और दूसरे, जिन हालात में आपकी और नताशा की शादी हुई है उस सिलसिले में कोई बात हुई आपकी उनसे? कैसे सिलसिले? यही कि वो मेरी बेटी को अपनी बहू तस्लीम कर रही है या नहीं। कर लेंगे। आप तो बस, आप चुप रहे प्लीज। क्या हुआ जाने में, यहां आकर क्यों खड़ी हो? ऐसे ही बस नींद नहीं आ रही थी। समझ गया, नोशी की आजाद ख्याली तुम्हें पसंद नहीं आ रही। हाँ, उसकी फ्रस्ट्रेशन देखकर अच्छा नहीं लग रहा। खाम खास सोच विचार की जरूरत नहीं, चलो आ जाओ शाही। परवेज, तुम्हें नहीं पता आज नादरा ने कैसी बात की है मुझसे। मैं क्या मतलब,
ऐसा क्या कहा नादरन? अपनी बच्ची को पर बिठाने की बात कर रही थी, जहां सिवाय जिल्लत और रुसवाई की कुछ नहीं मिलता। क्या ऐसा सोच भी कैसे सकती है नादरन? वरना नौशी की शादी कहीं और भी हो सकती है, अच्छी खासी खूबसूरत लड़की है। तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। अच्छा बस समझ गया हूं, आप एक बार फिर से मेरे इख्तियारात महदूद करना चाहते हैं और आपके इस अजीम दिमाग में कोई नई चाल आ गई है। ये चालें मकरो फरेब उस दीन का हिस्सा नहीं है जिसका मैं पैरोकार हूं। अरे ये मेरे पुरखों की जमीन जायदाद, ये इतनी ही, इससे तुम्हारा पेट क्यों नहीं भरता? पैसा ताकत की अलामत है, पेट तो उस मलंग का भी भर जाता है जो आपके आस्ताने पर रोज अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए आता है। उसे ना तो आपके मजहब से कोई सरोकार है और ना ही वो आपको जानता है। लेकिन मैं ये जरूर जान गया हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ उसको मेरे एताब से दूर रखना चाहते हैं और बस। हुदूद में रहो, हुदूद में रहो। आप भी ना। वाह ताशी वाह, दिल में एक लहर सी उठती है तुम्हें इस तरह शाहना सुल्तान के घर पे राज करता देखते। आगाज़े मोहब्बत है अम्मी जान। ये कोठी भी अपने नाम लगवा फौरन। मेरे शौहर की है तो मेरी ही हुई ना। जो जायदाद बीवी के नाम हो सिर्फ वही उसकी हुआ करती है, दूसरी आई तो समझो पहली गई। और जवान औलाद के होते हुए अगर बेवा हो जाए तो फिर भी मारी गई। मैं तो कहती हूँ नई नई शादी है, इसलिए जो समेट सकती है इस नई नई शादी के चाव में लपेट ले। अगर जिंदगी के किसी मकाम पे नदीम तुझे छोड़ के चला जाए तो इस कोठी के अलावा भी तेरे पास बहुत कुछ होना चाहिए, सिक्योरिटी के नाम पर। देखिए इस मामले को बहुत केयरफुली हैंडल कीजिएगा, ये सिर्फ एक लड़की का मामला नहीं, मेरी पूरे घराने की जिंदगी का सवाल है। हाँ थैंक यू। गलती मेरी है, खमियाजा भी मुझे ही भुगतना होगा। क्या मतलब है, तुम क्यों खुद को ब्लेम करती हो हर बात पे? नौशी को भी बिठा देती तो सब ठीक रहता। क्या हो गया तुम्हें, ऐसी बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या क्या हुआ? मैंने तो हर लम्हा आपको बहुत पॉजिटिव पाया नादरा जी। एक बाहिम्मत और हौसलेमंद खातून के तौर पर जानता हूं मैं आपको। इस बार भी मुस्कुराकर मुश्किल को हरा दें। अब तो कोई जज्बा हर रास बकवास लगती है। बेची बेची देखो तो इसको। बेटी खोई है, जहर ना उगले तो और क्या करे। लेक्स। बकवास बंद कर। संभाला इसे। नौशी मेरी बच्ची, ये क्या किया आपने? अपने बाप दादा का नाम दबोने वाली इस लड़की को उठा लाए और क्या कर दिया मैंने? मेरी अम्मी मर जाएगी, मेरी अम्मी मर जाएगी। इस औरत की रगों में गंदा खून है, तुझे बेहयाई पे लगाया उसने। सलमा लिबास देखो इसका, पहनाओ इसे अच्छे कपड़े, बताओ इसे आस्ताने की वो रिवायत जो ये भूल गई है। इसके जहन में किसानों वाले मामला भर दो। लेकिन पीर साहब, सवाल नहीं, एक सवाल नहीं करोगी तुम, मुझे अपनी हया वाली पर्देदार भतीजी चाहिए। ये नाचने वाली गैरों के सामने थिरकती हुई मॉडल याद अकारा नहीं, समझी? अरे पीर साहब गजब हो गया, क्या हुआ? तो छोटी सरकार नफीस बाबा की बेटी को अगवा करके गया है। क्या जी सरकार? जी आपने क्यों जहमत की, मुझे बुला लिया होता या बेहतर होता फोन ही कर लेता। मैं आमने सामने बात करना चाह रहा था।
अगर आपको मेरी माँ या मेरी माजी के मुताबिक कोई बात करनी है तो मैं बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखता। हाँ, अगर आपकी बेटी को कोई शिकायत है तो फरमाइए। बैठो प्लीज। आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ। इतनी बेरुखी तो ना बरतो मुझसे। हम उस रिश्ते में बंधे हुए हैं, जान चाहें भी तो हाथ नहीं छुड़ा सकते एक दूसरे से। खैर, ये मकान तुम्हारे नाम है क्या? हो तो ये बात है कि अचानक ये मकान मेरे पूरे ससुराल वालों के लिए इतना अहम क्यों हो गया? मुझे तो ये दिखने लगा है कि कुछ नहीं दिखेगा तुम्हें। मैं ये चाहता हूं अगर नताशा तुमसे कहे तो अपना मकान या कोई कीमती चीज उसके नाम नहीं करनी है। अभी अभी या कभी? नहीं कभी का तो मैं फिर कभी बताऊंगा तुम्हें। फिलहाल अभी जो कहा है उसे सुनो। मुझे आपके मशवरे में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मैं पाबंद हूं अभी किसी भी बात का। तुम मानो या ना मानो लेकिन बेटे का सब कुछ बाप का होता है। बाप भाई, बड़े राजो न्यास की बातें हो रही है बाप और बेटे के बीच। करेक्शन कर लीजिए आप, बाप बेटे नहीं, दामाद और ससुर डिस्कस कर रहे हैं कुछ। हाँ, एक ही बात है नदीम, ये मेरी बेटी फोन नहीं उठा रही। मैं उसे कब से फोन कर रही हूँ, इतनी देर हो गई, कब तक आएगी? थोड़ी देर में आती होगी। आप लोग बैठिए, मैं मुलाजिम को भेजता हूँ। उस नाचने वाली की बेटी को उठा लाया हूं। लेकिन तुम? लेकिन कुछ नहीं, आप अपने हुजरे तक महदूद रहेंगे, जनान खाने और मेरे मामलात में दखल देने की कोशिश ना कीजिएगा। मेरी बहन, शाही मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। और वैसे भी मैं कहा तुम जैसी इज्जतदार औरत की बहन हो सकती हूँ, इतनी औकात कहाँ है मेरी? अरे तुम मुझ पे क्यों खफा हो रही हो? मैंने क्या गलत किया है? हाँ किया तुमने, गलत तुमने गलत किया। मेरी बेटी अगवा हो गई और तुम FIR कटवाने की बजाय पुलिस वालों की मिन्नतें कर रही हो। क्यों? मैं FIR कटवाना चाहती थी लेकिन कुछ करीबी लोगों ने मना कर दिया। और फिर तुम भी तो कहती हो कि पीर वासिफ की बहुत पहुंच है, इसके बहुत ताल्लुकात हैं। हाँ है, बिल्कुल है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि हम दोनों लूट का माल हैं? वो जब चाहे हमें बोरी में डालकर ले जाए। नादरा समझने की कोशिश करो, ये छोटे छोटे वीडियो स्कैंडल की वजह से नौशी खासी बदनाम हो चुकी है और मैं ये चाहती थी कि, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि एक बार, सिर्फ एक बार उस शख्स पर पर्चा जरूर कटे ताकि उसे पता तो चले कि अम्मा बेटी इतनी भी लावारिस नहीं जितनी वो समझता है। मेरी जान, तुम, मैं कुछ सोचती हूँ, देखो इंशाल्लाह, देखो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। मैंने सोच लिया है मैंने, दोषी वापस आ जाए तो मैं उसे ऐसी दीवार में चुनवा दूंगी जहां उसे कोई नहीं देख सकेगा, फिर वहां से भी नहीं और भी कोई नहीं, सिर्फ मैं देख सकूंगी इसे। लगता है कि पीर लाला नफीसुद्दीन की खुशबू आ गई है मेरे हुजरे में, वो वापस आ गया है।
समझ नहीं आ रहा क्या कब मुझे ऐसे मिलना था आपसे एक अगवाशुदा लड़की के तौर पे। क्या कहूं बेटी, मैं बूढ़ा हो गया हूं, बेबसी समझ ले बूढ़े की, ना मैं तेरे बाप की मदद कर सका हूं ना। क्या मैं उम्र भर पीर भासिफ की कैद में रहूंगी? नहीं मेरा बच्चा, तुम हिम्मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। कौन सी हिम्मत? वो हिम्मत जो आपके शौहर ने की है। आपका शौहर मुझे इतने बड़े शहर से बकरी के बच्चे मेरा निकाला, ये होती है हिम्मत। और आप लोग इसमें हमारा क्या कसूर? ये आप जवाब दें मुझे, आप लोगों के साथ मेरे पे ये जुल्म हो रहा है, कौन देगा मुझे इसका हिसाब? देगा कोई? अल्लाह, अल्लाह बड़ा हिसाब देने वाला है। पीर वासिफ जलालुद्दीन के ऊपर एक रोज अजाब आएगा, उस दिन बात करूंगी मैं, तब तक चुप हूं मैं, कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी, सिर्फ देखना है मुझे, बस देखना है, सिर्फ देखना है। खुशी, खुशी बेटा, बाबा आप कुछ कीजिए प्लीज। हाय अल्लाह, इतना पैसा एक साथ। अब तो आप खुश है ना, आपकी बेटी ने एक और मार का मार लिया। जीती रहे मेरी बच्ची, जीती रहे, खुश रहे, बहुत खुश हूं मैं। बस तू इसी तरह नदीम के जरिए ना शहाना सुल्तान का सारा पैसा हड़प करती जा, और फिर तू देखना बहुत जल्द तेरी सास होगी सड़क पर और तेरी माँ महल में। ये 2.5 करोड़ नदीम ने मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दिया, मैं इसमें से 1 रुपया भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकती। क्या मतलब है, ये सारा पैसा तू कारोबार में लगा देगी? अरे अगर डूब गया तो? क्या समझ रखा है आपने अपनी बेटी को? 2 साल में मैंने इस रकम को डबल ट्रिपल करना है, रहा सवाल मेरी सास का तो? अरे तुम्हारी सास, मैं तो कहती हूँ तड़प तड़प के सिसक सिसक के मर जाए, बल्कि मर ही जाए। फाखरा बेगम, मेरे अलावा कौन खुशकिस्मत है जिसे सिसका सिसका के और तड़पा तड़पा के मारना चाहती हो? अरे है कोई, आपको इससे क्या? बता दो सच, कुछ कहूंगा नहीं तुम्हें। वो चाचा मैं दरअसल कॉस्मेटिक ब्रांड खोल रही हूँ ना मैं मम्मी के नाम से, फाखराज, तो उसी के ब्रांड की प्रमोशंस की बात हो रही थी, और तो कुछ नहीं। तुम्हारी मम्मी तो वैसे भी खुद एक ब्रांड है, लेकिन इसके लिए काफी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, वो भी यही देंगी क्या? हर किसी को अपने जैसा समझ रखा है क्या? मेरा दामाद दे रहा है सारा पैसा। अच्छा मेरा बेटा, तो आप लोगों को इतना हो गया है काम में, मतलब जो साथ काम करती हो तुम नदीम के, इतना पैसा आ गया कि एक और बिजनेस शुरू करें और उसे संभाल सके? आप चाचा मियां, दरअसल वो मेरी सास ने पैसा दिया है। अरे छोड़ ना ताशी, बस अभी कोई नया फलसफा सुनाना शुरू कर देंगे साहब का वकील साहब। अच्छा सुन, तू जल्दी आ इधर, मेरी बात सुन, आजा इधर आ जल्दी। चुप रहो नादरा, ये वक्त है ऐसी बातें करने का? तुम समझती क्या हो अपने आप को? नहीं चुप रहूंगी, ये जज्बाती होने का वक्त नहीं है नादरा, क्या कर रही हो तुम? एक मिनट प्लीज, आप दोनों को क्या हो गया? छोटी छोटी बातों पर उलझेंगी तो गलत फैसले होंगे। खुदा के लिए इस वक्त अपनी पूरा फोकस नोशी की बाजियाबी पर रखें। नोशी के बचने की कोई सूरत नजर नहीं आती पेजी, मेरी बच्ची तो गई। बहुत अहम पेशरफ्त हुई है नादरा जी, मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलकर आया हूँ जिसके सामने पीर वासिफ एक लफ्ज नहीं बोल सकता। वो तो अपने बाप जैसे शफीक चचा और बड़े पीर समेत किसी की बात नहीं सुनता, तुम किसकी बात कर रहे हो पेजी? ख्वाजा अहमद अली। ख्वाजा अहमद अली?
शुक्र कर जो हमारे सर से बला टली। अब कहीं जाकर मेरा दिल मुतमईन हुआ है कि हमारी सौतन नहीं आएगी। मैंने तुझे कह दिया था कि मेरा रंग गोरा पर जुबान काली है, हमारे शोहर की भी तीसरी बीवी नहीं आएगी। हाय रुकैया, तेरे मुंह में घी शक्कर। खुशियां मनाओ, मकान को सफेदी कराओ, नए बिस्तर लगाओ। कौन आ रहा है? आप दोनों की होने वाली अम्मी। क्या मतलब? पीरजादा कासम उठा लाया अपनी मंगेतर को इस कंधे पे रख के। मुबारक हो तुम्हें। रुकैया, तेरी जुबान काली। मरेगा ये और इसकी छोटी सरकार, इसकी शादी नहीं होगी। अल्लाह। ख्वाजा अहमद अली वासिफ के गद्दी नशीन होने के सख्त मुखालिफ थे। वो तो उसे पीर भी नहीं मानते थे। वो हमेशा से बालूनी शरीफ के गद्दी नशीन नफीसुद्दीन को देखना चाहते थे। अरे नाजरा जी, पीर वासिफ की पुरानी दुश्मनी को कैश हम कराएंगे। छोटी सरकार ने बदमाशी की, हम सियासत करेंगे। लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो गई वहां तो? क्या हो गया शायद? ऐसा कुछ नहीं है और ना ही वहां ऐसा कुछ होने जा रहा है। और फर्ज कर लो ऐसा हो भी गया और आस्ताने पर गोली चल गई तो मरेगा सिर्फ पीर वासिफ। छोटी सरकार, छोटी सरकार, जिंदगी में इतनी खुशी मिलेगी मुझे कभी सोचा ही नहीं था। बस बस, मेरा घर का बर्बाद होगा। दो औरतें मिलकर तेरा घर आबाद नहीं कर सके कासिम, ये तीसरी नादान क्या बिगाड़ लेगी तेरा। इतना जुल्म मत करें छोटी सरकार, इस नन्ही सी जान पर हुक्म कर दें। जरा ठंडी हो जाने दे, जहन्नुम से मंगवाई हुई उस आग को। सोचते हैं तेरा भी कुछ करते हैं कुछ। छोटी सरकार, आग जलाओ यार। छोटी सरकार ने तेरी शादी तय कर दी है। मेरी शादी? अच्छा, किससे तय की है? कासिम पीरजादा से। कासिम पीरजादा? वो बोंगा? मैं उससे शादी करूंगी। अच्छा, और मैं क्यों करूंगी उससे शादी? तुझसे यहाँ कोई पूछने के लिए नहीं आया, वो जबरदस्ती तेरी शादी कर रहे हैं। और किसने किया ये फैसला? छोटी सरकार ने। ये मनहूस स्या पोश क्यामत भी बर्पा कर दे तो मैं उस बदबख्त कासिम से शादी नहीं करूंगी। क्या होगा मेरे इनकार से? मर जाऊंगी ना। कबूल है, कबूल है, कबूल है। मासूम सी है मेरी अम्मी, अगर मैं अपने ब्रांड के साथ उनका नाम जोड़ लूंगी तो मेरे काम में बरकत आ जाएगी और उनका दिल भी बड़ा हो जाएगा। पर से मैं उनकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करना चाहती हूँ। कितनी अच्छी बेटी हो तुम। और मैं? और मैं क्या? तुम्हारे माँ बाप की जिंदगी में इतने तूफान है लेकिन आज भी तुम उन दोनों का ही सोचते हो ना? क्या सोचता हूँ, कहने को मैं इकलौता बेटा हूँ पर अपनी खुशी में अपनी माँ को नहीं शरीक कर सका।
तुम मुझसे शादी करके पछता रहे हो? इस बात का ये मतलब होता है? मतलब चाहे जो भी हो, लेकिन मैं अपने जानू को इतना परेशान नहीं देख सकती। एक काम करते हैं, तुम्हारी मम्मी को खुश करने के लिए हम उनके सामने शादी कर लेते हैं। What do you think? I love you, Tash. बस दुआ करो कि मम्मी को तुम्हारी अम्मी का जब पता चले तो मुझसे नाराज ना हो। तुम्हारी मम्मी की तो अब ऐसी की तैसी। क्या हुआ ताशी? मैंने तो दरख्वास्त कर दी है, आगे आपकी मर्जी है। क्या तकलीफ है तुम्हें? कासिम और नौशी की शादी क्यों नहीं होने देती? कासिम और नौशी का कोई जोड़ नहीं है। बहुत बार सुन चुका हूँ ये बकवास, अब और नहीं सुनूंगा। नौशी मर जाएगी छोटी सरकार। मर जाने दो उसे। और एक बात याद रखना, ये शादी तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता। फोन क्यों नहीं उठा रहा? देर से ट्राई कर रही हूं। क्या हो गया शाना? अगर तुम्हें मुझ पर इतना सब यकीन है तो कल नौशी आ जाएगी हमारे पास। अल्लाह तुम्हारी जबान मुबारक करे। भेजी, इतनी बेबसी और जिल्लत महसूस हो रही है। देखो तो जरा, दिन दहाड़े हमारी जवान बेटी को उठा के ले गए वो खबीस पीरवासिफ, और हम उसकी नाक काटेंगे शाही। बस देखती जाओ। हेलो नदीम, नौशी को पीरवासिफ उठा के ले गया है। मैं तुम्हें बहुत दिनों से बताना चाह रही थी लेकिन तुम मेरी रेंज में नहीं आ रहे थे। अब मैंने अगर बताया पुलिस को तो मीडिया में ये बात इतनी उछलेगी कि हम सब जलील होकर रह जाएंगे। नदीम क्या हुआ? कुछ नहीं, वो नदीम कह रहा था कि... क्या कह रहा था? कह रहा था कि नादरा और नौशी का ठेका तो नहीं उठा रखा आपने? ठीक कहा उसने, अपनी समझ के मुताबिक बिल्कुल ठीक कहा उसने। लेकिन स्वीट हार्ट, हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए। बस भाई बस, कई सालों के बाद मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं इतना हंसा हूं। चलें भाई, अल्लाह का शुक्र है हमारी बेटी भी अपने घर की हो गई, मजा आ गया। मेरा बेटा भी मुझे मिल गया। यूं अचानक नताशा का शौहर बन के मेरे सामने, जैसा मैंने चाहा था वैसा हो गया। और ये तो आपकी मोहब्बत करने वाली बीवी की बेटी की वजह से हुआ है, ये सब कुछ उसी ने तो किया है ना, ये तो मानते हैं ना? हाँ हाँ बाबा, मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। आप बहुत अच्छे हैं जावेद, मुझे ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में दोबारा से मोहब्बत हो गई है आपसे। लव यू जी। बस बस, खुदा का वास्ता है मेरी जान, अगर इतना इखलाक प्यार तुम दोहराओगी ना, जान से चले जाऊंगा मैं। अल्लाह ना करे। इतना कुछ कर दी हमने जावेद, अब देखे बस ये मजाक मत करें मुझसे इस तरह का। बस जावेद ऐसे मत, जावेद क्या हुआ आपको? जावेद आप ठीक तो है ना? सोच लो, वैसे अब मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगी, लड़ूंगी चीखूंगी चिल्लाऊंगी लेकिन। हाँ माँ। क्या होना? क्या हुआ? क्या हुआ ताशी? तुम मेरे साथ चलो। काफी हुआ क्या? चलो तुम मेरे साथ। अच्छे खासे हंसी मजाक करते करते हाथों से निकल गए तेरे चचा मियां। दे यार, डॉक्टर को आ लेने दे, ये तबसरे बाद में कर लीजिएगा। अरे डॉक्टर आके क्या करेगा बेटा? ताशी क्या मैं एक बार फिर बेवा होने वाली हूँ? अम्मी क्या हो जाता है आपको?
थोड़ा सा तो नॉर्मल बिहेव कर लिया करें प्लीज। नॉर्मल होने से क्या आई बला टल जाएगी? नहीं ना, क्या करूं मैं, क्या करूं? जावेद साहब के साथ आप हैं? जी, क्या क्या वो? जी मैं उनकी बेटी हूँ, मुझे बताएं सब कुछ ठीक तो है ना? जी जी बिल्कुल, एंजाइना पेन हुआ है, खतरे की कोई बात नहीं है। तो आप उनको एडमिट कर रही हैं? कुछ देर के लिए, दरअसल जावेद साहब बेहोश हो गए थे इसलिए हमने उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, उसके बाद आप उन्हें घर ले जाइएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। मैं तेरे बीमार चाचा मियां की अकेली देखभाल कैसे करूंगी बेटा? क्यों, आप अकेली क्यों होंगी? मैं और नदीम है ना आपके साथ, जब तक चाचा मियां ठीक नहीं हो जाते आप हमारे साथ रहेंगे, क्यों नदीम? हाँ, why not? शुक्र है ताशी, तेरे चाचा मियां बच गए, वरना मैं तो समझी थी कि वो बस बस ना। अनुषा बा? जी मैडम। बेटे मैडम नहीं, शाही खाला। एक बहुत खूबसूरत अनाउंसमेंट करनी है मुझे, और वो ये कि मेरे प्यारे बेटे नदीम की मंगनी आज मैं नोशी से तय कर रही हूँ। परवेज ने मुझे प्रपोज किया है। क्या बाकी? ये तो बहुत अच्छी खबर है खाला, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, मुझे पेजी बहुत पसंद है। अगर वाकई में आप लोगों की शादी हो जाए तो करनोशी, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। ये नहीं हो सकता, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए मेरी बच्ची को दर बदर होने से बचा लो, अपने बच्चे को मना लो, उसे कहो उसे बचा ले, उसकी जिंदगी बचा ले। हाय क्या बात है। हाँ जी, कुछ आराम आया आपको? उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है, ऐसे मुस्कुरा के देखा करें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चाचा मियां आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आपकी अम्मी बेचैन है, इनसे पूछ लें। अरे मुझे और क्या चाहिए होगा, इतना अच्छा आरामदेह कमरा है, और ऐसा लगता है जैसे आपने कयामत तक यहीं रहने का सोच रखा है। मैं आपकी तरह से नाशुक्री नहीं हूँ कि यहाँ आते बीमार पड़ जाऊँ। अल्लाह ना करे अम्मी जान, अब चाचा मियां बिल्कुल ठीक है। इनकी बातों को सीरियस ना लो बेटा, मेरी तबीयत खराब है और इनकी शायद नियत। क्या 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 कहा आपने? नहीं, बीमारी में जबान फिसल जाती है, थोड़ा सा मार्जिन दो मुझे खुदा को। अब तबीयत बेहतर है, दो चार दिन में अपने घर जाएंगे हम। मेरी बात सुनो प्लीज, मुझसे तरह बात कर लो प्लीज। मत लगाओ मुझे प्लीज, आप देखिए ना इसे प्लीज। नाजो कुछ खिदमत करो इसकी, खिलाया पिलाया है। मैंने तो इनसे कहा है मुझे कुछ नहीं खाना, ला सकती तो जहर ले आओ। कैसी बातें कर रही हो, प्लीज अल्लाह का नाम लो। मैं जरा छोटी सरकार को देखूं, तुम इसका ध्यान करो। हाथ नहीं लगाओ ना, बात नहीं करनी मुझे तुमसे। अच्छा ठीक है मुझसे बात मत करो, मगर तुम जल्दी से यहाँ से भागो, निकलो यहाँ से। क्या मतलब? सलमा चाची छोटे सरकार को बातों में लगाने गई है ताकि तुम पिछले दरवाजे से निकल जाओ, भाग जाओ, मैंने खोल दिया है तुम्हारे लिए। और तुम? तुम मेरे मेरा मुझे छोड़ो, तुम जाओ प्लीज, जल्दी करो। बेटा मेरे घर पर कहर नाजिल हो गया, तुम ऐसा लगता है जैसे हमें जानते ही नहीं। मुश्किल तो मेरी भी जिंदगी बहुत है मां। खैर
आप बताइए हुक्म कीजिए। हुक्म नहीं है, एक दरखास्त है। कभी कभी माँ का फोन उठा भी लिया कर। Come on, mom. नादरन कंपनी ने आपको काफी इमोशनल कर दिया, प्लीज आप इन लोगों से छुटकारा पाए। हर कोई तुम्हारे बाप की तरह नहीं होता जो रिश्तों को अंधे कोण में धकेल कर उनके तड़पने का मजा ले। खैर, मुझे नोशी के आने तक नादरा के साथ खड़े होना है, हर सूरत में, हर कीमत में। जरूर, मेरी कहमत चल के मैं आपको रोक सकूं। वैसे एक बात बताओ, कभी जावेद ने तुमसे राब्ता करने की कोशिश तो नहीं की? अब नहीं मान, कभी नहीं। अगर कोशिश करे भी तो उसे रिस्पॉन्ड मत करना, हम सबके लिए यही बेहतर है। एक बेटी को माँ से छीन कर वासिफ ने जो जुल्म कमाया है, मैं उसका साथ हरगिज नहीं दूंगा। खैर वाफियत से नौशी कराची पहुंच जाए, मैं उससे आपसे फिर बात करूंगा, उसे कहीं ना कहीं तो रोकना ही पड़ेगा। सिर्फ चंद घंटे छोटी सरकार नोशी से गाफिल रहे तो वो उनकी पहुंच से बहुत दूर निकल जाएगी। औलाद का दुख नादरा को किस कदर अजियत दे रहा होगा मैं समझ सकती हूँ।